के वरिष्ठ साथी पूर्व में रानिया के रहे सरपंच श्री गोपाल दास जी, पार्टी के जिला के महासचिव कॉमरेड कश्मीर सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के रानिया विधानसभा क्षेत्र से नवनियुक्त उम्मीदवार भाई अशोक वर्मा जी, पनीवाड़ा मोटा गांव के सरपंच भाई श्रवण जी, राम कुमार खारिया जी, हल्का के अध्यक्ष सुभाष नैन जी, जिला परिषद के मेंबर तमी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह जी, मंच में बैठे हुए अन्य सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मान और सम्मान की ओर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव शहर हुए रानिया के बाढ़ के सतर से आए हुए पार्टी के सभी बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनत कस कार्यकर्ता साथियों, चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। मेरी ड्यूटी तो आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लगी हुई थी नारनौल, वहां हमने अपनी पार्टी के प्रदेश के युवा इकाई का अध्यक्ष जो जस्सी बेटवाड़ है, हम उसको वहां से चुनाव लड़ा रहे हैं। और सब साथियों की डिमांड थी कि युवा के प्रधान का फार्म में सघन जा करके भराऊं, इसलिए मेरी पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी लगी थी, लेकिन मैंने वहां पे तो कर्ण को भेजने का काम किया और मैंने ये फैसला लिया कि कहीं हरानिया हल्के के लोगों के मन में कल को कोई भ्रम पैदा ना हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस किस्म की चर्चाएं बहुत जोरों पे है कि कहीं कोई लोगों में भ्रम पैदा करके कुछ लोग अपना दाव लगाना चाहते। मैं नहीं चाहता था कि हमारी पार्टी का कोई एक भी कार्यकर्ता इस बात को लेकर के कहीं विचलित हो, कार्यकर्ता का मनोबल कहीं गिरे, और ये भी नहीं चाहता था कि कहीं कोई इस बात का नजायज फायदा उठाए। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सभी में जाकर के जहां कार्यकर्ताओं से मिलकर के आऊंगा, वहीं अशोक वर्मा का फार्म पार्टी की तरफ से सभी में भगा करके भी जाऊंगा। पार्टी ने तो चौधरी देवीलाल को लेकर के अब तक जो पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, और आज भी आप लोगों के विश्वास के ऊपर फिर से यह फैसला लिया गया कि अब की बार अशोक वर्मा को उम्मीदवार बना करके रानिया से चुनाव लड़ा। तो रोका बात क्यों पिछड़ी छत नहीं हो जाओगे, पूरी मजबूती के साथ जैसे पहले पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट की ताकत देकर के विधानसभा में भेजते थे, चाहे वो अपनी जिम्मेवारी निभाई कि नहीं निभाई, लेकिन आप लोगों ने हमेशा बड़े मजबूती के साथ इसको भी पार्टी ने उम्मीदवार बना करके भेजा था, उसको एक बड़ी ताकत के साथ जिता करके अपनी पार्टी को जहां सरसा जिला के अंदर मजबूत करने का काम किया, वहीं पूरे प्रदेश में एक मैसेज आपने दिया था
कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर सकता, इसलिए आज उससे ज्यादा बड़ी जरूरत है। अब की बार आपको जहां पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को एक एक वोट देकर के फिर से भारी मतों से जिताना है, वहां इसके चुनाव को, क्योंकि जो साधारण व्यक्ति होता है मानकर के चलो उसके सामने बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई होती है, उसके सामने आर्थिक दिक्कत सबसे बड़ी होती है, और यहां तो ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनके पास अथाह पैसा है, जो पैसे के बलबूते पे कहीं लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं, जो लगातार बाहर रहते हैं, और चुनाव का समय जब आता है तो बीच में आकर के कहीं अपने आप को नेता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सबक मिले जो पैसे के बलबूते पे हमारा ईमान खरीदने की कोशिश करें, और ऐसे साथी को जिता करके भेजे जिसने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करी, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया। जिस किसी ने भी चौधरी देवीलाल के पीठ में छुरा घोंपा, आप ये मान करके चलो उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता में कहीं जरा सी भी जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चौधरी देवीलाल की वजह से अगर इस इलाके के अंदर, खासकर के सरसा जिला के अंदर, गरीब आदमी आज अगर खुले में सांस ले रहा है, गरीब आदमी आज अगर कहीं किसी जमीन जायदाद का मालिक है, गरीब के खेत में अगर, किसान के खेत में अगर आज किसी की फसल पक रही है, तो केवल और केवल चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से है। यहां पे चाहे कोई नहरों का जाल बिछाने की बात थी, चाहे कोई रोजगार और नौकरी देने की बात थी, चाहे कोई सड़क और बिजली देने की बात थी,